एट्थ डे एंड सेकेंड वीक जो है वो स्टार्ट हो गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑल्दो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे वेट में ज़्यादा कोई फ़र्क आया होगा बट मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, पानी का इंटेक मैं ज़्यादा कर पा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा. एंड सॉरी फॉर द आर्विक्स नॉइज. एंड तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने लिया था गोभी का परांठा एंड साथ में मैंने ली थी दही. और लंच उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट के बाद अपनी ग्रीन टी ले ली थी जो कि मैं अब लेना शुरू कर दिया मैंने. एंड वाटर बॉटल मेरी 2 बजे तक अभी सिर्फ एक ही कंप्लीट हुई थी. एंड यस गाइस, अमेजोन से मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था तो वो मुझे रिसीव हो गया है और अभी मैं उसकी ओपनिंग करके आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ मैंने मंगवाई थी. तो जल्दी से उसकी ओपनिंग देख लेते हैं. एंड आज से तो नहीं बट कल से जब मैं वर्कआउट करूँगी तो इसे यूज़ करना शुरू करूँगी. एंड यस, ये है अभी तक का अपडेट, मिलेंगे हम रात को. बहुत सारी चीज़ें डी क्लटर करी है. जी हाँ, डी क्लटर मतलब मैंने फेंक दिया है काफ़ी सारी चीज़ों को. जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे स्किन केयर और मेकअप के प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे जो कि कुछ ऐसे थे जो कि एक्सपायर्ड हो चुके थे और कुछ ऐसे थे जो कि ख़त्म हो गए थे. एम्प्टी कंटेनर्स पड़े हुए थे, जस्ट 1-2 बार ही यूज़ करने वाले थे तो वो मैं करके और उन्हें तो मैंने ख़त्म कर दिया एक्सपायर होने से पहले ही. और कुछ ऐसे थे जो कि एक्सपायर हो चुके थे, कुछ ऐसे थे जो कि मुझे पता चल गया था कि मेरी स्किन के लिए वो वर्क नहीं कर रहे हैं और किसी और को देने से अच्छा मैंने उन्हें फेंक ही दिया बिकॉज कोई और भी ज़्यादा यहाँ पे कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता है. सो इट्स बेटर कि जो चीज़ें आपको सूट ना करे उसे फेंक देना चाहिए. तो आज मैंने काफ़ी मेहनत करी और जितना भी मेरे पास मेकअप का फालतू का सामान था वो मैंने सब निकाल दिया. अभी भी कुछ ऐसा है जो कि रहते हैं, कुछ कुछ बॉक्सेज ऐसे हैं जो कि मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाए बट जो मेरे सामने नज़र आ रहे थे मुझे कि हाँ ये निकालने वाला हो गया सामान तो मैंने उन्हें निकाल के क्या कर दिया, फेंक दिया. ठीक है, और यस ये था एक छोटा सा अपडेट, मैंने सोचा आपको बता ही दूँ. एंड मिलेंगे अब डिनर के टाइम पे. तो अभी मैं लगाने लगी हूँ दाल को तड़का जिसके लिए मैंने प्याज काट लिए, हरी मिर्च काट ली एंड लहसुन काट लिया और अदरक और टमाटर अभी मैं साथ के साथ कर लूँगी, चॉप कर लूँगी. एंड यस चलिए जल्दी से दाल को तड़का लगाते हैं और फिर हमारा हो जाएगा डिनर रेडी. असुविधा के लिए खेद है क्योंकि हमारा जो प्लान है वो चेंज हो चुका है. अभी हम दाल नहीं बना रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं पापा के घर. कहाँ जाना है आदू? नानू के घर जाना है. नानू पास जाने आदवी नानू प्रिया ना कहाँ जाने? तो चलते हैं हम आदू के नानू के घर, पापा के घर एंड आके दाल बनाएंगे क्योंकि फिर अगर अभी बना दी उसके बाद दोबारा गर्म करनी पड़ेगी और वो फिर टेस्ट वैसा नहीं रहता. जो गरम गरम दाल का टेस्ट होता है वो अलग ही होता है. सो यस पहले आदू के नानू के घर होके आते एंड उसके बाद हम बनाएंगे डिनर.